हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट इंडिया का एक एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा निकाली गई प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में जो दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से प्रोजेक्ट इंजीनियर की टेन्योर बेसिस वैकेंसी निकाली गई है, जिनको शुरुआती 4 साल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री है इंजीनियरिंग में, वो इसमें अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब और अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो अपलोड होती मिलते रहे। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in, जिसके ऊपर आपके जिसे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशंस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ नोटिफिकेशन फॉर 34 पोस्ट फॉर ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहले तो यहाँ पे भारत डायनामिक्स लिमिटेड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें भारत जो BDL है मिनरत्न कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, जो कि 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड की गई थी। यहाँ पे अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर वर्क इन इंटरव्यू। इसमें वर्क इन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको आप देख सकते हैं, कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, एंड देयर वर्क प्लेस विल बी एट BDL प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड इन प्रीमिसेज ऑफ एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट AD सुरजनदास रोड न्यू टिपासांद्रा बेंगलुरु में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे पहले तो अपन पोस्ट का नाम यदि देखें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, इसकी टोटल 7 वैकेंसीज रखी गई है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिक, इसकी टोटल 27 पोस्ट है और दोनों की मिलाकर 34 पोस्ट बनती है। इसमें अनरिजर्व की 14 पोस्ट है, EWS की 3 है, OBC नॉन क्रीमिली की 9 है, SC की 5 है, ST की 3 है। अब वर्क इन इंटरव्यू की डेट और टाइम की बात करें तो वर्क इन इंटरव्यू 16 सितंबर 2023 से लेकर 17 सितंबर 2023 को सुबह 8:30 बजे से शुरुआत होगी। वर्क इन इंटरव्यू की जो वेन्यू है वो है एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सुरजनदास रोड ऑपोजिट इंजन डिवीजन बिना मंगला न्यू टिपासांद्रा बेंगलुरु कर्नाटका। यहाँ पे आपको जाना, लैंडमार्क की बात करें तो नहीं है विवेकानंद मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पे 4% रिजर्वेशन वो PWBD कैंडिडेट्स को भी दिया गया। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है वो जो इस मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी जरूरी है वर्क इन इंटरव्यू की डेट को। इसमें SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की और फिजिकली डिसेबल पर्सन को 5 साल की छूट यहाँ पे दी हुई है। अब एक्सपीरियंस की अपन यहाँ पे बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसकी मिनिमम उनके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। रिलेवेंट इंडस्ट्री और ऑफिस एज ऑन डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू की डेट तक। यदि किसी ने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कम्प्लीट कर रखी है तो वह भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। यदि किसी ने रिलेवेंट डिफेंस लैब या इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो उसको भी प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट्स ने जितने साल की सर्विस की है उसके लिए उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या ऑफर लेटर है वो पेश करना, पे स्लिप जरूरी होगी। अब मैंडेटरी सैलरी प्रूफ है तो जिस बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, PF स्टेटमेंट, ESI स्टेटमेंट और लास्ट पे स्लिप है जिसपे हर महीने सैलरी क्रेडिट होती है, उसका जो प्रूफ है वो देना जरूरी होगा, तभी वो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब जिन कैंडिडेट्स ने एकेडमिक या टीचिंग या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस है उनको इसके लिए कंसिडर नहीं माना जाएगा। जो कैंडिडेट अभी प्रेजेंटली में BDL में काम करें वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी, यानी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है वो बाहर का होना जरूरी है। अब जो भी स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज रिलैक्सेशन एंड एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, तो इसमें
जो फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स है वो बी बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग 4 साल की, जिसमें इंटीग्रेटेड एम टेक कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है। अब मैकेनिकल में कौन कौन सी जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन वो कंसिडर किए जाएंगे, तो इसमें आप देखते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरोनोटिकल इंजीनियरिंग। ये यदि किसी के पास डिसिप्लिन है तो वो प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अपना अप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा सकता है, वर्किंग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकता है। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो वहीं 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और कैंडिडेट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल है उसकी ड्राफ्टिंग भी आनी जरूरी है। उसके बाद में 2 नंबर का है जो प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें भी 60% मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने अग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी है बी बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग में 4 साल के लिए। इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड है तो वो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग। 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 60% मार्क्स है आपके जो क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किया उसमें होना जरूरी है। इसमें बी बी टेक बी एस सी 4 ईयर इंजीनियरिंग के साथ साथ होना जरूरी है। इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन शामिल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। 1 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना जरूरी है। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस जो प्रोजेक्ट मैनेजर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ साथ होना जरूरी है। इसमें कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिसिप्लिन होना जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन C++, जावा, पाइथन, QT एंड PL, SQL, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक टेक्नोलॉजी, इनके अंदर यहाँ पे SC ST OBC के कैंडिडेट को रिजर्वेशन भी और रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको शुरुआत में 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद में मैक्सिमम 4 साल के तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर इनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। रिम्यूनरेशन यानी सैलरी की अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर 30,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर 33,000 रुपये, थर्ड ईयर 36,000 रुपये, फोर्थ ईयर 39,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही 10,000 पर अलाउंस आपको अलाउंसेज भी दिए जाएंगे, पर ईयर आपको अलाउंसेज दिए जाएंगे। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस, ऐसे कुछ अलाउंसेज है जो इसमें इंक्लूड होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो आप देख सकते हो वॉक इन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सुरचंदास रोड अपोजिट इंजन डिवीजन बिन्ना मंगला न्यू थिपा सांड्रा बेंगलोर में इसका जो इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो रखा गया। कैंडिडेट्स को 8:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच के और इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई कैंडिडेट यदि पहुँचेगा तो उसको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि BDL की ऑफिशियल वेबसाइट www.bdl.india.in के कैरियर सेक्शन में आप जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर वर्किंग इंटरव्यू दिया हुआ है, उसको आपको सबसे पहले तो फिलअप करना है। उसके बाद इसके साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपीज लगाने जरूरी है, और उसके बाद जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल दिया है उस डेट ऑन टाइम को आपको पहुंचना है। इसमें आपकी SSC यानी 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट वो इंटरमीडिएट 12th डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो, फिर BE BTEC BSc इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल AWS PW BD एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट लास्ट पे स्लिप, सैलरी प्रूफ डॉक्यूमेंट, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट, ESI मेंबरशिप, सैलरी अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपके यदि कोई ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसको मार्क्स में कन्वर्जेशन का सर्टिफिकेट भी आपको पेश करना जरूरी होगा। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको पहुंचना जरूरी है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपके अग्रीगेट मार्क्स है परसेंटेज जो आपने क्वालिफिकेशन पे प्राप्त किए हैं उनको 75% वेटेज दिया जाएगा। फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल एलोकेट 1 मार्क, हाउएवर मैक्सिमम मार्क्स विल बी अलॉटेड 75% ओनली, यानी आपके परसेंटेज के आधार पे
आपको मार्क्स दिया जाएगा, 1% का आपको एक नंबर दिया जाएगा। अब रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो इसमें एक साल का एक्सपीरियंस उनको 3 मार्क्स, 2 साल का उनको 6 मार्क्स, 3 साल से ज़्यादा उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 15 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल मार्क्स की अपन बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस के आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट जो कि एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो भर्ती होगी ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती होगी। यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनको अपना वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो ऑन रखना है क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी के ऊपर किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो इसका नोटिफिकेशन था जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जिन कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री है, जिनके मिनिमम 60% मार्क्स और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो BDL में अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे पे स्केल के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।